24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस मनाया जाता है। बांसवाड़ा शहर के टीबी विभाग द्वारा इस दिन जन जागरूकता रैली निकाली गई। चौबीस मार्च को हर वर्ष की भांति विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन में टीबी से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं या जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाता है। अभी भारतवर्ष में टीबी के रोगी बहुत हैं, कम से एक चौथाई वर्ल्ड के सारे टीबी रोगी में से 100 टीबी में से 20%। तो टीबी के जो मेन लक्षण मुख्य लक्षण हैं वो मुख्यतः 2 सप्ताह से अधिक की खांसी का होना, शाम के समय में हल्का बुखार आना, वजन कम होना, सांस का फूलना, सीने में दर्द होना या कभी कभी बलगम में खून आना। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी को लक्षण हैं तो हमारे बांसवाड़ा जिले में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बलगम जाँच की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पर बलगम की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि इस मरीज को टीबी का संक्रमण है कि नहीं। अगर बलगम जांच में पता नहीं लगाया जाता तो हमारे हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ उससे हम पता लगा सकते हैं कि मरीज की टीबी के लक्षण है कि नहीं। इसके अलावा हमारे बांसवाड़ा ज़िले में सेमिनाट मशीन है, कल्चर जाँच मशीन है और MT टेस्ट है, ये सुविधाएँ हमारे जिला अस्पताल पर उपलब्ध है। तो अगर मरीज की बीमारी निकल गई है तो घबराए नहीं, टीबी क्योरेबल बीमारी है, बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको पूरा कोर्स लेना, पूरा अवधि तक कोर्स लेना है। समस्या वहीं आती है जब मरीज टीबी का मरीज बीमार होने पर दवाई शुरू करता है और एक दो महीने की दवाई खाने के बाद वो पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है और वहीं पर वो दवाई बंद कर देता है। तो इससे क्या है कि वो दवाइयाँ अगले टाइम पे वो MDR के चांसेस उसमें हो जाते हैं। तो मेरे आमजन से यही अपील है कि जिस भी किसी व्यक्ति के या भाई के किसी के टीबी की बीमारी है तो वो पूरा समय तक पूरा दवाई ले, घबराए नहीं। टीबी क्योरेबल डिजीज है। अभी WHO ने टीबी को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि टीबी अगर टीबी का इलाज कोई भी दे रहा है, चाहे सरकारी डॉक्टर दे रहा हो या प्राइवेट डॉक्टर दे रहा हो,
या केमिस्ट दवाई टीबी की दवाई बेच रहा है उसको सूचना देनी अनिवार्य है। तो एक टीबी की नोटेबल डिजीज हो गई। और प्रधानमंत्री जी मोदी ने अभी हमारे टीबी पेशेंटों के लिए हर महीने 500 रुपये का न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने का फैसला लिया है। तो जो भी टीबी का मरीज दवाई लेगा उसको प्रति माह 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अभी हमारे अभी जो नया हुआ है उसमें यह है कि अब टीबी के मरीज का इलाज कल्चर जांच के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर किसी मरीज की टीबी होती है तो हम शुरू में ही पता लगा लेंगे कि ये इस मरीज की सिंपल टीबी है या जटिल टीबी है। जो भी टीबी निकलेगी उसका उसी के अनुरूप उसका इलाज किया जाएगा। अभी हमारे एक जो नया कैंपेन चल रहा है वो एक्टिव टीबी केस फाइंडिंग चल रही है। जिले में 3 मोबाइल वैन है जो गांव में जाती हैं, वहां प्रचार प्रसार करती हैं और वहीं पर जो भी संभावित टीबी का रोगी मिलता है उसकी बलगम की जांच और एक्सरे की जांच वहीं पर की जाती है। अगर उसकी बीमारी निकलती है तो फिर उसका तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। अभी हमारे जो आया है अभी जो नया हो जो चेंज हुआ है उसमें यह है कि मरीज के वजन के अनुसार दवाई दी जाती है प्रतिदिन। पहले हमारे डोर्स में पहले एक दिन छोड़ के एक दिन दवाई दी जाती थी, अब मरीज को रोजाना वजन के अनुसार दवाई देती। पहले गोलियों की संख्या ज़्यादा थी, अब गोलियों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है, 2 या 3 गोलियों के आसपास आ गई है। बच्चों की भी दवाइयाँ पहले हमारे पास अब बिल्कुल पानी में घुलने वाली स्वाद अनुसार दवाइयाँ सरकार प्रोवाइड करा रही है। बचाव के लिए टीबी के मरीजों के बचाव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी के घर में टीबी का मरीज निकला है तो उसे सर्वप्रथम खांसते समय छींकते समय मुंह पर रुमाल कपड़ा अवश्य रखें और अपना बलगम है वो इधर उधर नहीं फेंकें। कमरा है उसका हवादार होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और उसके घर में जो भी सदस्य के हैं अगर किसी को कोई शंका है, जैसे 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको अगर कोई शिकायत है तो उसकी तुरंत जांच कराकर टीबी का पता लगाएं। भ्रांतियाँ ये है कि टीबी ये अनुवंशिक बीमारी है कि एक के किसी हो गई तो सबके हो जाएगी, टीबी क्योरेबल नहीं है। टीबी की भ्रांतियाँ ये हैं कि टीबी के बारे में लोग कोई शंका रहती है कि हम किसी को बताएंगे तो हमारे घर से वो उनकी सामाजिक पहचान को खतरा रहता है, तो ऐसा नहीं। टीबी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो कोई भेदभाव नहीं करती है। और टीबी क्योरेबल डिजीज है कोई नहीं। तो इसमें ये है कि आप समय पर इलाज लें, बिल्कुल ठीक है।